पिंजौर शहर के बीचों बीच न्यू लेक राम कॉलोनी पिछले कई बरसों से कॉलोनी न बनने को लेकर लोगों में रोष व्याप्त है। कॉलोनी में रहने वाले भजन सिंह ने बताया कि उन्हें कई बार इस विषय पर नगर निगम हल्का विधायक लतिका शर्मा व स्थानीय नेताओं को अपनी इस गहरी समस्या के बारे में अवगत करवाया है, लेकिन उन्हें हर बार काम जल्दी करने का आश्वासन ही मिलता है। मेरा नाम भजनलाल है। हाँ जी, क्या कहना चाहते हो आप? हमारी एक एनआई गली के बारे में बड़ी प्रॉब्लम आ रही है जी। हम कई एक दो साल से हम पीछे भाग रहे हैं और जो रोज बार मतलब कालम टोल की जा रही है, और मिस्टर हरीश प्रधान है यहाँ के बीजेपी के, और एक क्या नाम है संजीव कौशल जी है, इनसे हमारी काफ़ी बात हुई है, मीटिंग भी हुई है, लेकिन अभी इसके बारे में कोई मतलब हल नहीं निकला। रोज़ की रोज़ परेशानी हो रही है यहाँ पर, गड्ढे बच्चों के लिए, रास्ते में कोई मतलब खास वो नहीं है, रास्ता बिल्कुल खराब हो रहा है। आपने इसके बारे में निगम के अधिकारियों को बोला? हमने निगम के अधिकारी को बोला, उन्होंने हमें बोला है कि आपका वो हो चुका है सर, क्या कहते हैं, नहीं टेंडर नहीं हुआ, एस्टिमेट हो चुका है, और आज से 6 महीने पहले एस्टिमेट 33,10,000 का हमें टेंडर बताया, वो हमने पेश किया। कॉलोनी के लोगों का कहना है कि उन्हें कई बार नगर निगम के जेई से इस बारे में बात की और कॉलोनी के मुख्य रास्ता की खस्ता हालत के बारे में बताया। लोगों का कहना है कि कॉलोनी में रोजाना सैकड़ों की तादाद में लोगों का आना जाना रहता है और स्कूली बच्चों व काम काज वाले लोग कच्चा रास्ता होने के कारण रोजाना गहरी मुसीबत का सामना कर रहे हैं। उनका कहना है कि कॉलोनी का सारा रास्ता कच्चा होने के कारण बरसात के दिनों में बहुत परेशानी होती है। कई बार घर के बाहर निकलते हुए कॉलोनी के बुजुर्ग व बच्चे फिसल कर गिर गए हैं, जिन्हें गंभीर चोटें भी आई हैं। और आपको ये बता दें कि कॉलोनी वाले जल्द से जल्द प्रशासन से ये सड़क बनवाने की मांग कर रहे हैं। पिंजौर से अर्थ प्रकाश के लिए हरभजन सैनी की रिपोर्ट।